दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पेश होने के 3 दिन बाद गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सरकार के सपोर्ट में 58 वोट पड़े, जबकि भाजपा ने वोटिंग से वॉकआउट कर दिया। ऐसे 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आपके 62 और भाजपा के 8 विधायक हैं। वही सदन में शुरू होते ही भाजपा विधायक शराब घोटाले की चर्चा को लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला ने भाजपा के 2 विधायक को मार्शल आउट कर दिया। विधायकों के मार्शल आउट के बाद दिल्ली असेंबली में नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है और हमारे विधायकों को बोलने नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि आबकारी नीति को लेकर पहली बार 19 अगस्त को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की थी। यह छापेमारी करीब 14 घंटे तक चली, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए कानून के तहत केस दर्ज कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।